हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक राज है और आपका स्वागत है हमारे प्यार चैनल योर स्टडी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक के सेकेंड लेक्चर को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे हम पढ़ेंगे कि फाइबर को ऊल में कैसे बनाया जाता है, उसके प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। द ऊल विच इज यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वेविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो ऊन का प्रयोग हम करते हैं स्वेटर को बुनने के लिए या फिर शॉल को बुनने के लिए, वह एक लंबे प्रक्रिया का फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका बनाया गया जो प्रोडक्ट होता है वही होता है। तो इसमें बहुत से स्टेप आते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। पहला स्टेप है द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ द स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग। सबसे पहले क्या होता है, उस भेड़ का जो फ्लीस होता है, यानी कि फ्लीस मतलब बाल, अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन, उसके चमड़े के मतलब पतला लेयर स्किन का भी उसको काटा जाता है उसके शरीर पे से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको शियरिंग कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ सकता है व्हाट इज शियरिंग, तो हम लिखेंगे ये मशीन सिमिलर टू डोज यूज बाई बार्बर आर यूज टू सेव ऑफ हेयर। मशीन जैसे कि हम बार्बर आप जाते होंगे नाई के दुकान पर, तो वहाँ पर जैसे मशीन का प्रयोग करता है वो आपके हेयर को काटने के लिए, उसी तरह के मशीन का प्रयोग होता है उसके बाल को भी काटने के लिए। किसके, तो सीप के। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जो सामान्य तौर पर हेयर गर्मी के मौसम के दौरान रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, काटा जाता है। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, शीप बिना प्रोटेक्टिव कोट हेयर के सर्वाइव कर पाता है। हमने पहले पढ़ा था कि हेयर क्या करता है, एयर को ट्रैप करता है, और एयर हीट का पुअर कंडक्टर होता है, तो इससे वह गर्मी महसूस करता है। तो अगर बाल समर के दौरान रहे या ना रहे, इससे शीप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर फाइबर। हेयर क्या करता है, वूलन फाइबर प्रदान करता है, उसी से वूलन फाइबर बनता है। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, और फिर वूलन फाइबर से वूलन यार्न बनता है। शियरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट वेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर सेव्स हिज बियर्ड। शियरिंग से शीप को कोई हानि नहीं पहुँचती है, जैसे कि आपको कोई हानि नहीं पहुँचती है जब आपका बाल काटा जाता है या फिर आपके पापा अपना बियर्ड काटते हैं। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। जो स्किन का सबसे ऊपरी लेयर होता है वह डेड होता है, हमारे भी स्किन का। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसा कि हमारा हेयर फिर से उग जाता है, उसी तरह शीप का भी हेयर दोबारा उग जाता है। ये है पहला स्टेप। अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्टेप। द शियर्ड स्किन विथ हेयर इज ट्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। जो शियर्ड स्किन होता है हेयर के साथ जो स्किन काटा जाता है, उसको अच्छी तरह से टैंक में धोया जाता है, उसमें से ग्रीज डस्ट और डर्ट को हटाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। अब क्या हो रहा है, नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। अब मशीन से स्कोरिंग को किया जा रहा है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ सकता है व्हाट इज स्कोरिंग। अब है स्टेप थ्री। आफ्टर स्कोरिंग मतलब उसको धोने के बाद, सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग मतलब होता है छांटना। द हेयर स्किन द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। मतलब सबसे पहले हमने काट लिया हेयर को, उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो लिया, स्कोरिंग कर लिया, उसके बाद उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पर विभिन्न तरह के टेक्सचर, विभिन्न तरह के हेयर को अलग अलग छांटा जाता है। उसी के मतलब बेसिस पर क्वालिटी को भी छांटा जाता है। स्टेप फोर। अब इसके बाद क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। अब हेयर से जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं बर्स, उसको हटाया जाता है, पिक किया जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम अपियर ऑन योर स्वेटर। यही वे बर्स होते हैं जो कि कभी आपको कभी कभी आपके स्वेटर पर उग जाते होंगे, अपियर हो जाते होंगे। द फाइबर आर
स्क्विड अगेन एंड ड्राइड, और इसको हटाने के बाद, इन बर्ड्स को हटाने के बाद फाइबर्स को फिर से धोया जाता है और सुखाया जाता है। दिस इज़ द ऊल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर। अब ऊन ऊल तैयार हो गया है फाइबर में ड्रॉन करने के लिए, मतलब फाइबर बनाने के लिए। स्टेप फाइव, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। अब फाइबर जो होता है उसको विभिन्न रंग दिया जाता है, लेकिन जो नेचुरल फ्लीस होता है, नेचुरल हेयर होता है शीप का हो गया, गोट का हो गया, इनका नेचुरल हेयर ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या वाइट होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब है स्टेप सिक्स, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड। अब फाइबर को स्ट्रेन सीधा किया जाता है, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, और अब इनको रोल किया जाता है यार्न में, यार्न बनाया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू ऊल, जो लंबे लंबे फाइबर होते हैं उनका ऊन बना लिया जाता है स्वेटर के लिए, मतलब स्वेटर के लिए। एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ, और छोटे छोटे फाइबर होते हैं उनको बुना जाता है और वूलन क्लॉथ उनसे बनाया जाता है। अब हमें पढ़ना है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। आप में से बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हजार्ड का नाम सुना होगा और कुछ ने नहीं सुना होगा, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लेवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल का जो इंडस्ट्री है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवलीहुड, जीविका का माध्यम है बहुत से लोगों के लिए हमारे देश में, वूल इंडस्ट्री, अंडरलाइन कर लीजिए। बट शॉर्टेस्ट जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई अ बैक्टेरियम एंथ्रैक्स विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिजीज। लेकिन जो मतलब मजदूर वाले काम होते हैं, छोटे काम होते हैं, वह रिस्की होते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क क्या होता है कि बैक्टेरियम होता है एक एंथ्रैक्स जिसे कहते हैं, उसके कारण क्या हो जाता है, फैटल ब्लड डिजीज हो जाता है, जिसको शॉर्टर्स डिजीज कहा जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। सच रिस्क फेस्ड बाई वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और ऐसे रिस्क जो लिए जाते हैं वर्कर्स के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री में, इसी को कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। पूछ सकता है व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। अब हम देख रहे हैं एक्टिविटी 3.4, डिबेट amongst योर क्लासमेट्स whether इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू rear sheep एंड देन chop ऑफ their हेयर फॉर गेटिंग ऊल। अब इसमें एक्टिविटी में बोल रहा है कि sheep को पालने के लिए कहाँ पर sheep पाला जाता है और उसको काटा जाता है, उसको देखने के लिए, अपने क्लासमेट में डिबेट करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए। अब है 3.2 सिल्क। अब हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ऊल के बारे में पढ़ा कि पहले काटा जाता है, उसको धोया जाता है, उसमें से बर छाना, बर को हटाया जाता है, उसके बाद उसको फिर से धोया जाता है और उससे स्ट्रेंथन करके फाइबर बनाया जाता है। अब हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर की एनिमल फाइबर्स हैं। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वर्म क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को स्पिन करते हैं, बुनते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब सिल्क वर्म जो कीड़े मकोड़े होते होंगे उनको पालना, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क को पालने के लिए, इसको क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर कहा जाता है। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sari they have. अपने माता से, माँ से, मौसी से या फिर दादी से पूछिए कि किस तरह का सिल्क साड़ी वे प्रयोग करते हैं, पहनती हैं। List the kinds of silk. अब सिल्क का काइंड, सिल्क का प्रकार का लिस्ट बनाइए। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि सिल्क बनाने की प्रक्रिया, सिल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करें, उसके पहले यह आवश्यक है कि सिल्क मॉथ के जो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में जानना उससे पहले आवश्यक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वे अंडे देते हैं और जिसमें से लार्वे निकलते हैं, हैच करके निकलते हैं, जिसको हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म बोला जाते हैं।
को भी अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट आर सिल्क वर्म्स, दे ग्रो इन साइज या साइज में बढ़ते हैं, जिस तरह हम बढ़ते हैं वे भी इस तरह बढ़ते हैं, एंड वेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, और जब वह कैटरपिलर तैयार हो जाता है अपने जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए, जिसको हम प्यूपा कहते हैं, इट फर्स्ट वेव्स अ नीड टू होल्ड इटसेल्फ, तो उससे पहले वह दूसरे अपने जीवन के दूसरे चरण में जाने से पहले वह क्या करता है, एक नेट, एक जाल वेव करता है, बुनता है, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट, मतलब एट फिगर की तरह यह अपना हाथ को, मतलब हेड को, सिर को घुमाता है, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड, और इन मूवमेंट, जो ये मूवमेंट होता है सिर का, इसके दौरान द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, और इस प्रक्रिया के दौरान जब वह अपना हेड को मूवमेंट करता है, हेड का मूवमेंट करता है, तो कैटरपिलर क्या करता है, फाइबर छोड़ता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और जो हार्ड होकर एक्सपोजर, एयर से एक्सपोज होकर वह हार्ड होकर सिल्क फाइबर बन जाता है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा, और बाद में क्या होता है, कैटरपिलर पूरी तरह से अपने मतलब अपने आप को सिल्क फाइबर से ढक लेता है और प्यूपा में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, तो ये जो कवरिंग है जिससे वो अपने आप को ढकता है उसको क्या कहा जाता है, कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, और इसी कोकून के अंदर क्या होता है, प्यूपा मॉथ में बदलता है, कीड़ा में बदल जाता है, सिल्क मॉथ बन जाता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ, सिल्क फाइबर का प्रयोग क्या किया, किस मतलब किस लिए किया जाता है, तो सिल्क के कपड़े को बनाने के लिए किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट अ सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मुलायम सिल्क यार्न इतना मजबूत है, मतलब कितना मजबूत है, तो एक स्टील के थ्रेड, मतलब स्टील का एक धागा के इतना मजबूत है सिल्क यार्न। द सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, सिल्क यार्न कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिल्क मॉथ के कोकून से प्राप्त होता है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दैट दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, यहाँ पर सिल्क मॉथ के प्रकार हैं, वेराइटी हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, और जो सिल्क यार्न ये यील्ड करते हैं, देते हैं, वह देखने में भी बनावट में अलग अलग रहता है, कोई कोर्स रहता है, कोई स्मूथ रहता है, कोई शाइनी रहता है, इसलिए टसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, ETC आर इम्पोर्ट ऑब्टेंड फ्रॉम कोकुन्स स्पन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ, इसलिए टसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क इत्यादि ये सब कोकून से, मतलब विभिन्न तरह के मॉथ के कोकून से बुना गया है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ, जो सबसे साधारण कॉमन सिल्क मॉथ है वह मलबेरी सिल्क मॉथ है, अंडरलाइन कर लीजिए, विच इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ, तो मलबेरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, इस मॉथ के द्वारा, इस मॉथ के कोकून से जो सिल्क फाइबर प्राप्त होता है वह बहुत मुलायम होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, और कोई भी मतलब ब्यूटीफुल कलर्स में, रंगीन कलर्स में, सुंदर कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, सेरीकल्चर या फिर सिल्क वर्म का कल्चर यह भारत में बहुत ही पुराना पेशा है, मतलब काम है, व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल, इंडिया सिल्क का उत्पादन बहुत मतलब भारी मात्रा में करता है कॉमर्शियल स्केल पे।
इस एक्टिविटी में बोल रहा है 3.5 में कि सिल्क क्लॉथ के कुछ पीस टुकड़े ले लीजिए, सिल्क क्लॉथ के विभिन्न प्रकार के कपड़े ले लीजिए, और किसी की मदद से, अपने माँ के मदद से, अंट के मदद से उसको आइडेंटिफाई कीजिए उसके प्रकार को, कि कौन मलबेरी सिल्क है, कौन टसार सिल्क है, कौन मूंगा सिल्क है, और उसको आर्टिफिशियल सिल्क के पीसेस से कंपेयर कीजिए, उसकी तुलना कीजिए। अब हम देखते हैं ये, इन इंडिया वीमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। भारत में औरतें सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, विभिन्न तरह के इंडस्ट्री में बहुत ही सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है, मतलब काम में इन्वॉल्व है, जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, इसमें इस काम में क्या आता है, तो सिल्क वर्म को पालना, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क को रील करना, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इंटू फैब्रिक, और कच्चे सिल्क को फैब्रिक बनाना। By their enterprise, they contribute to the nation's economy. इनके enterprise के द्वारा ये हमारे nation की economy को contribute करती हैं। China leads the world in silk production. Silk production में China पूरे दुनिया को lead करता है। India भी उस silk producing country में lead करता है, मतलब उसमें rank में India भी आता है। तो which country leads the world in silk production? तो इसका answer होगा China. From cocoon to silk. अब कोकुन से हमें पता चल गया कि कोकुन मतलब सिल्क मॉथ को रियर किया जाता है, सिल्क वर्म को, और उससे कोकुन को लिया जाता है। अब कोकुन से सिल्क किस तरह बनाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। From cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and their cocoon are collected to get silk threads. सिल्क को पाने के लिए मौत को, उसके कीड़े को पाला जाता है, और उसके कोकुन को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है सिल्क थ्रेड के लिए। अब सिल्क वर्म रियर किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रियरिंग सिल्क वर्म्स, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक समय पर सैकड़ों अंडे फीमेल सिल्क मॉथ देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। जो अंडे होते हैं वह बहुत केयरफुली स्टोर किए जाते हैं, और इस किस पर, तो स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या पेपर पर, और सिल्क वर्म के फार्मर को बेच दिए जाते हैं। द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब किसान क्या करते हैं, उनको हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं उन अंडों को, और सूटेबल कंडीशन टेम्परेचर के, मतलब तापमान ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी के सूटेबल कंडीशन में रखते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। अब उन अंडे से लार्वे को निकलने के लिए उसको गर्मी दी जाती है। दिस इज डन वेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। और यह कब होता है, तो मलबेरी ट्री जब फ्रेश क्रॉप, पत्ते का फ्रेश क्रॉप बियर करती है तब। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म इट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन मसली इन साइज। जो लार्वे होता है जिसको हम कैटरपिलर्स कहते हैं या फिर सिल्क वर्म कहते हैं, या रात दिन उस पत्ते ही को खाता है और धीरे धीरे अपने साइज में बढ़ता है। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। जो लार्वे होते हैं वह एक साफ बम्बू के ट्रे में रखा जाता है उनको, और उसमें क्या कर दिया जाता है, फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी के पत्ते को फ्रेशली चॉप्ड कर उसमें उनके साथ रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टीनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्री टू स्पिन कोकून्स। और 25-30 दिन के बाद क्या करते हैं कैटरपिलर, खाना बंद कर देते हैं और एक छोटे से चैम्बर बम्बू के उसमें चल जाते हैं। किस किस काम के लिए, तो इस कोकून को स्पिन करने के लिए। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रीज टू विच कोकून गेट अटैच्ड। और छोटे छोटे रैक उसमें प्रदान किए जाते हैं, उस ट्रे में रहते हैं जिसमें कोकून फंस जाए, अटैच हो जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। और कैटरपिलर क्या करते हैं, कोकून को स्पिन करते हैं जिसके अंदर सिल्क मॉथ डेवलप होता है, विकसित होता है। अब हमें पढ़ना है प्रोसेसिंग सिल्क। अब सिल्क किस तरह बनता है, सिल्क की प्रक्रिया।
अ पाइल ऑफ कोकोन्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर को प्राप्त करने के लिए एक पाइल कोकून का मतलब ज़्यादा मात्रा में मतलब कोकून चाहिए होता है. पाइल कोकून का पाइल. द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. कोकून्स को सूरज के अंदर रखा जाता है मतलब सूरज के प्रकाश के अंदर, या फिर उनको खौलाया जाता है, बॉयल किया जाता है और स्टीम भाप दिया जाता है. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और सिल्क फाइबर उनमें से क्या होते हैं, अलग हट जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. ये जो प्रक्रिया होता है धागों को कोकून से अलग करना सिल्क के लिए प्रयोग करने के लिए, इसको क्या कहा जाता है, रीलिंग द सिल्क. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. व्हाट इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, तो हम इसे बोलेंगे रीलिंग इज डन इन ए स्पेशल मशीन. कुछ खास मशीन में रीलिंग को किया जाता है. विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून. जो क्या करते हैं, धागा या फिर सिल्क का फाइबर को अलग कर देते हैं कोकून से. सिल्क फाइबर आर देन स्पन इन टू सिल्क थ्रेड्स विच आर वेवन इन टू सिल्क क्लॉथ बाई वीवर. सिल्क फाइबर अब क्या करते हैं, सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं सिल्क फाइबर से, और बाद में उसी को बुनकर सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है. आइए अब हम सिल्क के डिस्कवरी के बारे में जानते हैं. डिस्कवरी ऑफ सिल्क. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन. जो एग्जैक्ट टाइम है सिल्क के डिस्कवरी का, वो अभी तक उसका पता नहीं लगाया जा सका है. अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड द इम्प्रेस सी लंग ची वॉज आस्क बाय द इम्पीरियर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी टी ग्रोइंग इन देयर गार्डन. एक बूढ़े चाइनीज लेजेंड के अनुसार जो सी लंग ची इम्प्रेस थी, वह उनको कहा गया था जो शासक थे हुआंग टी उनके द्वारा, कि जो पत्ते डैमेज हो गए थे मलबेरी के पत्ते, मलबेरी पेड़ के पत्ते, उनका कारण ढूंढने के लिए कि क्यों डैमेज हो गए. द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी लीव्स. इम्प्रेस ने क्या पाया, उस महारानी ने पाया कि उजले रंग के वॉर्म मतलब कीड़े मलबेरी के पत्तों को खा रहे थे. सी ऑल्सो नोटिस दैट दे वेयर स्पिनिंग साइनी कोकून्स अराउंड देम. उन्होंने यह भी नोटिस किया कि वह चमकते हुए कोकून्स को स्पिन कर रहे थे अपने चारों ओर एक्सीडेंटली. और एक्सीडेंटली क्या हुआ, अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टैंकल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेट फ्रॉम द कोकून. और एक्सीडेंटली एक कोकून उनके कप टी के मतलब चाय पी रही थी, उसमें गिर गया. एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स, और वो उस मतलब उनका एक धागा उसमें ऊपर आ गया. टैंगल मतलब ज़्यादा धागा आया ऊपर, अलग हो गया. हमने पढ़ा है कि गर्मी देने से धागा अलग हो जाता है कोकून से, तो चाय तो गर्म ही ना होता है. सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना. सिल्क इंडस्ट्री चाइना में शुरू हुआ. एंड वाज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर. और इसको सैकड़ों साल तक इसको सीक्रेट रखा गया. लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड सिल्क टू अदर कंट्रीज. और बाद में क्या हुआ, ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स सिल्क को दूसरे देशों में सिल्क के बारे में बताया, और ये जो रूट था जिसके द्वारा ट्रेडर्स और ट्रेवलर आते थे, उसको सिल्क रूट कहा जाता है. यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो थैंक यू.